हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के रिमेनिंग सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट कर पिछले लेक्चर में यानी कि कल के लेक्चर के अंदर हमने 5.4 स्टार्ट कर दिया था। ये कुछ चार फॉर्मूले थे और कुछ स्टेप्स दिया था। क्लियर है? स्टेप इसलिए लिखा हूं बोर्ड पे क्योंकि हो सकता है भाई जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा या 5.4 का लेक्चर नहीं बैठे तो एक बार रिवाइज हो जाएगा आपके लिए और कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट किया था। अभी 4 नहीं कर रहे हम, बढ़ते थोड़ा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते। क्वेश्चन नंबर 6 लेते पहले, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 1 upon a square minus b square x square dx। बराबर है, स्टेप फॉलो करो, आंसर अपने आप आएगा। स्टेप नंबर 1 कहता है x square के पास जाने का। क्या बोलता है? x square के पास जाने का और पूछने का तेरे पास क्या है। बराबर है, तो x square के पास जाने का, पूछने का भैया तेरे पास क्या है? मेरे पास बी स्क्वायर है, प्लस माइनस साइन नहीं देखने का, क्या पूछने का तेरे पास क्या है? मेरे पास बी स्क्वायर है, जो भी उसके पास है, जो भी होगा उसके पास, उससे डिवाइड और बाहर निकालने का। तो बी स्क्वायर से डिवाइड करने का और बी स्क्वायर को बाहर निकालने का, तो 1 upon b square बाहर निकाला। इंटीग्रेशन, डिवाइड करेंगे 1 upon a square upon b square minus b square x square upon b square dx। दिना दिंदा। बराबर है और कुछ? इल्ले खत्म। 1 upon b square integration 1 upon a upon b the whole square कर सकते इसे, दोनों का स्क्वायर है, माइनस x square dx। स्टेप मैंने कल बताया था, स्टेप नंबर 1 है एक्स स्क्वायर के पास जाने का, स्टेप नंबर 2 एक्स के पास जाने का, इधर तो एक्स है ही नहीं तो स्टेप नंबर 2 गायब हो गया। स्टेप नंबर 3 है कन्वर्ट इनटू फॉर्मूला, मैंने इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। सर कौन सा फॉर्मूले में कन्वर्ट किया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा मेरे लिए ए है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अप्लाई फॉर्मूला मतलब ये अप्लाई करना है अब, तो ये लिख देंगे 1 upon b square जैसा है वैसे ही इन। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 1 upon 2a, तो 1 upon 2a का वैल्यू क्या है? a upon b। अरे समझा? लॉग डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस x a प्लस x, a ये है आपका मतलब a upon b माइनस x, तो x ही यहां पे, अपॉन ए अपॉन बी प्लस एक्स प्लस सी दे दो इनको। अरे समझा? अब बेबी को बेस पसंद आना चाहिए, बी भी होना चाहिए यहां पे, यहां पे बी ऊपर चले जाएगा तो ये बी ऊपर आ गया, बी स्क्वायर इंटू 2a मल्टीप्लाई किया। बराबर है? अरे समझा? लॉग ए माइनस बी एक्स अपॉन बी, बी से मल्टीप्लाई किया, अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन बी प्लस सी। अरे बराबर, बी और बी कैंसल, देयरफॉर योर आंसर, सर बी और बी इधर भी कैंसिल होएगा, 1 upon 2ab लॉग ऑफ ए माइनस बी एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस सी। सम अरे समझा बबे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 इंटीग्रेशन 1 upon 7 plus 6x minus x square। मैंने पहले ही बताया था नजर हटेगी दुर्घटना घटेगी। यहां पे अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, एकदम ध्यान से देखने का, तो x square लास्ट टर्म है, कभी भी x square लास्ट टर्म नहीं हो सकता है, या तो पहला टर्म हो सकता है या तो दूसरा टर्म हो सकता है। पहला टर्म कब होएगा? जब क्वेश्चन में दिया रहेगा, पहला इधर से स्टार्ट होएगा x square से, बट इधर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वो लास्ट से चालू हुआ है,
तो इसको लास्ट में नहीं करने का, इसको पहले सेकेंड टर्म में कन्वर्ट करने का, मतलब इसे सेकेंड कर देने का। तो इसे क्वेश्चन को पहले अच्छे से लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1/7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x dx। अरे ये समझा मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर लास्ट टर्म नहीं हो सकता है, फर्स्ट या तो सेकेंड। अब फर्स्ट नहीं कर सकता मैं उसे, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो मैं उसे कौन सा टर्म कर सकता हूं, सेकेंड। इसे मैंने उसे सेकेंड टर्म किया। ये समझ में आ गया, पक्का समझा है? हाँ। अब क्या करना है, अब इधर ब्रैकेट डाल देना। इसके पहले अपन समझ रहे थे ब्रैकेट, भी समझना नहीं, इधर ब्रैकेट डालना है। 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x dx। ये समझा क्या किया, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। और ब्रैकेट डालने से इसका साइन बदल जाएगा, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट हो में माइनस 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 प्लस होगा। अरे समझा, इसको माइनस साइन था ना, मैंने इसको ब्रैकेट डाल दिया तो इधर प्लस नहीं इधर माइनस किया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। समझा ये? अब आ जाती है अपने स्टेप पे। पहले क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट में अरेंज कर दिया, अब जो कर रहे थे वही करना। स्टेप नंबर 1, एक्स स्क्वायर के पास जाने का और पूछने का, तेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, 1 है मतलब कुछ भी नहीं है। अरे समझा क्या सर, इधर तो कुछ नहीं, एक्स के पास जाने का, भाई साहब तेरे पास क्या है, 6 है। बराबर, तो 6 है तो इधर उसने क्या बोला है, एक्स के पास जाने का और पूछने का, तेरे पास क्या है, बोला मेरे पास 6 है, जो भी होगा आधा करो, तो 6 का आधा करो, क्या आएगा 3 आएगा। फिर उसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 होएगा। एक बार प्लस एक बार माइनस, इल्ले थोड़ा सा ध्यान से, अगर आपने ब्रैकेट डाल दिया है तो एक बार प्लस और एक बार प्लस, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो ही जाएगा, बात समझ में आया? तो एक बार प्लस और एक बार प्लस, एक बार ब्रैकेट के अंदर एक बार ब्रैकेट के बाहर, अंडरस्टूड? चलिए ठीक। इंटीग्रेशन 1/7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 माइनस 9 डीएक्स। अरे समझा, समझा या नहीं, अंडरस्टूड? हाँ वेरी गुड। ये जो 9 है नंबर है ना, एक जाति वाले। इंटीग्रेशन 1/7 माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 डीएक्स। अरे ये समझा, ये भाई साहब को इसके साथ इंटीग्रेशन 1/7 में से 9 जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस एक मिस्टेक किया यहां पे, एक बार प्लस और एक बार प्लस करना है, एक बार ब्रैकेट के अंदर प्लस करना है, एक बार ब्रैकेट के बाहर प्लस करना है। बराबर है, तो यहां पे प्लस साइन रहेगा और 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस ये हो जाएगा ना, तो एक बार ब्रैकेट के अंदर प्लस एक बार ब्रैकेट के बाहर प्लस। ये समझा, करेक्शन क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। एक्स स्क्वायर है, एक्स लिखने का, अभी नॉर्मल एक्स स्क्वायर है एक्स लिखने का, माइनस है माइनस, 9 किसका स्क्वायर हुआ था, 3 का ना, तो 3 द होल स्क्वायर। ये समझा, ये हो जाने के बाद कन्वर्ट इनटू फॉर्मूला, तो इधर कन्वर्ट करते इंटीग्रेट, 16 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 द होल स्क्वायर, कौन से फॉर्म में है, ए स्क्वायर नंबर है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये आंसर आएगा। अरे समझा, मतलब अब फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसके आगे फॉर्मूला अप्लाई कर, फॉर्मूला है 1/2 ए, ए का वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ ए, ए का वैल्यू क्या है 4 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन 4 प्लस प्लस सी। क्लियर है, चला? चलिए ठीक है। 1/8 log ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 3 4 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी। क्लियर है यहां तक, 4 प्लस 3 7
फोर माइनस थ्री वन, तो वन अपॉन एट, लॉग ऑफ सेवन माइनस एक्स, फोर माइनस थ्री वन प्लस एक्स प्लस सी, इसके आगे इले खत्म। समझा? स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 का। हमने अभी सिर्फ फोर और फिफ्थ सम नहीं किया, अब वो एंड में ही करवा रहा हूँ, थोड़ा सा उसके अंदर बोलते ना एडजस्टमेंट जैसा कुछ नया आने वाला, इसलिए उसको स्किप किया मैंने। सिक्स और सेवेंथ कर दिया, एट नाइन टेन अगर देखोगे तो रूट वाला फॉर्मूला, अभी तक विदाउट रूट अप्लाई कर रहे थे, अब रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर, ठीक है। स्टार्ट करते क्वेश्चन देखते क्या दिया है, बताइए क्वेश्चन एट वाला, इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट डी एक्स, कुछ भी चेंज नहीं होगा, आप जो स्टेप कर रहे थे वही स्टेप कर रहा है। पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर के पास जाने का और पूछने का तेरे पास क्या है, भैया क्या है, थ्री, थ्री से डिवाइड और थ्री को बाहर। अब इधर गलती करते हैं क्योंकि अपने को हैबिट हो गया रहता है, यहाँ पे आप खाली थ्री लिखते हो, नहीं वन अपॉन रूट थ्री आएगा क्योंकि ये रूट के अंदर है ना, फर्क समझ में आया, तो वन अपॉन रूट थ्री बाहर आएगा, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एट अपॉन थ्री डी एक्स। अरे समझा, क्लियर है? अब एक्स के पास जाने का वो तो है ही नहीं अपने पास, कन्वर्ट इंटू फॉर्मूला, तो वन अपॉन रूट थ्री इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एट यानी कि फोर टू जा एट अपॉन थ्री डी एक्स। जरा ध्यान दो, फोर किसका रूट है, टू का है, टू का रूट बराबर, ये तो रूट में रहेगा और ये भी रूट ही रहेगा। यहाँ पे और अच्छे से अगर मैं लिखूं तो इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू अपॉन रूट थ्री द होल स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अरे बात समझा, टू का स्क्वायर फोर, रूट टू का स्क्वायर टू, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, स्क्वायर कर रहे ना अपन, यहां तक समझ में आ गया। अब ये कौन सा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्वाइट जो लिखा है वही मेरा आंसर है। यहाँ पे आएगा वन अपॉन रूट थ्री जैसा है वैसे ही, लॉग ऑफ एक्स, एक्स ही है प्लस ये सेम टू सेम लिखा एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू अपॉन रूट थ्री द होल स्क्वायर प्लस सी। और एक्सपांड कर सकते हो आप, इधर क्वेश्चन भी लिख सकते हो क्योंकि ये जो चीज आया वो इससे आया है और इसकी जगह पे ये है, इसकी जगह पे ये, मतलब क्वेश्चन ही है वो, आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन थ्री, समझ में आया? बट इतना लिख के छोड़ो, मार्क्स में क्लियर है क्या? बढ़िए, नेक्स्ट इसके बाद वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में सेम चीज दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन डी एक्स। स्टेप नंबर वन, एक्स स्क्वायर के पास जाने का पूछने का, भाई साहब तेरे पास क्या है, क्या है, कुछ भी नहीं, वन है ना, कुछ भी नहीं। एक्स के पास जाने का, भाई साहब आपके पास क्या है, फोर का आधा करो टू का स्क्वायर करो फोर ही आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, बकवाना बराबर है कि नहीं, बकवाना, तो इधर आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर माइनस फोर प्लस ट्वेंटी नाइन डी एक्स। अब इधर समझने वाला ब्रैकेट है कि ये तीन नंबर एक ब्रैकेट में और ये दो नंबर एक ब्रैकेट में बराबर है, तो भाई इधर समझने वाले ब्रैकेट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए एक्स प्लस है तो प्लस, फोर किसका था, टू का, ट्वेंटी नाइन में फोर जाएगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा पच्चीस। अरे समझा सर, पच्चीस मतलब फाइव का स्क्वायर होता है, चलेगा, एक स्टेप कम कर दिया, समझ में आया? कौन से फॉर्म में है, एक्स है, ए है, प्लस है, रूट में, आंसर लॉग है, इसका आंसर लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस फाइव प्लस सी।
समझा? और एक सम करते हैं, सम नंबर 10 फट से कर देंगे, छोटा सा सम, क्लियर है? स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन 1/ अंडर रूट ऑफ 3x² - 5dx. क्या है स्टेप? x स्क्वायर के पास जाने का, भाई साहब आपके पास क्या है? 3 है, 3 से डिवाइड, 3 को बाहर, 1/√3 इंटीग्रेशन 1/ अंडर रूट ऑफ x² - 5/3dx. 5 किसी का स्क्वायर है? नहीं, 3 किसी का स्क्वायर है? नहीं, तो क्या आएगा? रूट आएगा, 1/√3 इंटीग्रेशन 1/ अंडर रूट ऑफ x² - √5/3 द होल स्क्वायर dx. अभी चलेगा? माइनस साइन है, एक्स है, ए है, माइनस है, लॉग है, आंसर यही लिखना है. यहाँ पे आएगा 1/√3 लॉग ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन x² - √5/3 द होल स्क्वायर. लेट्स सी. अरे समझा? पक्का? अब दो सम रह गया. आई होप इतना आपको रूट वाले फॉर्मूले क्लियर हो गए. फटाफट कंप्लीट हो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले 11 लेता हूँ, फिर रिमेनिंग जो दो सम है वो करते हैं. 11th वाला सम असाइनमेंट करूँ क्या? देखो x स्क्वायर है, 8 का हाफ करेंगे 4 आएगा, बराबर है, उसका स्क्वायर 16, एक बार प्लस एक बार माइनस करना है, बेसिक फॉर्मूला. करोगे तो फिर रिमेनिंग दो सम करोगे. थैंक यू सो मच. बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं. तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 असाइनमेंट है, हम 4 पे जाते हैं. बताइए फोर्थ सम क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x - 20x² - 3 मैंने आपको बताया इस एक्सरसाइज में न्यूमरेटर में 1 चाहिए. x² चलेगा बट न्यूमरेटर में 1 चाहिए. तो न्यूमरेटर 1 है ही नहीं है क्या? थोड़ा सा अपने क्वेश्चन बदलना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूं, लेट यहां पे अज्यूम नहीं कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं. क्या रिप्लेस कर रहा हूं? रिप्लेस सेकेंड टर्म क्या है? x² = t. हमने क्या किया? x² को रिप्लेस किया t से. तो जिधर भी x² दिखेगा वहां पे आपको क्या लिखने का है? t. अरे बात समझ में आया? हाँ, पक्का समझा? x² का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x dx is equals to dt. अरे बराबर, न्यूमरेटर में x दिख रहा है, ये बाजू आ जाएगा, तो x dx is equals to dt by 2. आप याद करो ऐसा कुछ 5.2 में आपने किया था. हाँ ठीक है. इंटीग्रेशन इसके जगह पे क्या आएगा? dt/4t² - 20t - 3. अरे समझा क्या हुआ? ध्यान से, x² था, x² द होल स्क्वायर कर सकता हूं. x² तो मेरे को मालूम है उसकी जगह पे t आने वाला है. तो क्वेश्चन, इसके जगह पे क्या आएगा? dt/2. x dx की जगह पे dt/2 बराबर 4, तो 4 ही है. x² मतलब x² का होल स्क्वायर, और x² की जगह पे क्या लिखने का है? तो ये क्या आ जाएगा? t² समझाइए. 20 x² की जगह पे माइनस जैसा वैसे. अब ये 2 को बाहर ले लो पहले. इंटीग्रेशन 1/4t² - 20t - 3. अभी मेरे नॉर्मल फॉर्म में आ गया. इसके पहले x को इज्जत दे रहे थे, अभी t को इज्जत देंगे. t को इज्जत देंगे मतलब यहाँ पे x² के पास नहीं, t² के पास जाने का. और पूछने का जीव, तेरे पास क्या है? क्या है? 4 है. 4 से डिवाइड, 4 को बाहर. यहाँ पे 1/2 × 4, 1/2 डायरेक्टली कर दिया. इंटीग्रेशन 1/t² - 20t / 4 - 3/4 dt. सर कट होता है? सर होता है, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. पाई समझ में आ गया? हाँ. चलिए अब x नहीं, t के पास जाने का. पाई साहब तुम्हारे पास क्या है? 5 है.
उसका आधा करो, इसका आधा क्या आएगा, 5/2 आएगा। इसका स्क्वायर करो, 25/4, एक बार प्लस एक बार माइनस। अरे समझा क्या? चलिए ठीक, 1/8 इंटीग्रेशन, 1/t² - 5t था प्लस 25/4 माइनस 25/4 माइनus 3/4 टी। समझा? इसलिए इसको अलग से अपन ने क्यों किया, थोड़ा कंसेप्ट अलग हो रहा और कुछ भी नहीं। यहां तक क्लियर है? अभी समझने वाला ब्रैकेट, ये तीन एक ब्रैकेट में और ये दो एक ब्रैकेट में, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर, 1/8 इंटीग्रेशन 1/t² है तो क्या लिखोगे, टी लिखोगे ना, एक्स स्क्वायर एक्स लिखे, टी स्क्वायर तो टी लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ये 25/4 कैसे आया था, 5/2 के स्क्वायर से आया था, यहाँ पे माइनस 5/2 द होल स्क्वायर। अरे समझा? किधर बेबी को बेच पसंद है, -25 - 3 - 28/4 dt, 4 1s are 4, 7s are 28। अरे समझा? चलिए 1/8 इंटीग्रेशन 1/t - 5/2 द होल स्क्वायर माइनस √7 द होल स्क्वायर डीटी। 7 किसी का स्क्वायर है ही नहीं ना, रूट निकलता क्या धन नहीं, तो √7 डाल दिया। अरे बात समझा? कौन से फॉर्म में आया, ए स्क्वायर x square minus a square, ये x के जगह पे काम कर रहा है ना, और ये a square है, तो कौन सा फॉर्मूला, ये का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रूट के अंदर है ना। अच्छा विदाउट रूट है, विदाउट रूट है, यहाँ पे आएंगे x square minus a square, रूट नहीं है, x square minus a square का फॉर्मूला है 1/2 a log x minus a x plus a, क्लियर। 1/8 जैसा है वैसे, इंटू 1/2 a, a का वैल्यू है √7। ये समझा? log ऑफ x, x का वैल्यू क्या है, t - 5/2 माइनस a का वैल्यू क्या है, √7। अरे समझा? t - 5/2 प्लस √7 प्लस c, अरे बराबर 1/16 √7 log ऑफ 2t - 5 - 2 √7/2। अरे क्या कर दिया आपने, एक ही साथ में बेबी को बेस पसंद आना चाहिए, तो इधर 2 हो जाएगा, 5 तो वैसा ही रहेगा, फिर इधर भी बेस पसंद आना चाहिए, 2 तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई होगा। अरे समझाइए, होल डिवाइडेड बाय सेम 2t - 5 + 2√7 प्लस सी, आया नहीं, टू टू कैंसल, 1/16 √7 log ऑफ 2t - 5 - 2√7/2t - 5 प्लस 2√7 प्लस सी। सर टी के फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, एक्स के फॉर्म में चाहिए, 1/16 √7 log of 2x² - 5 √7/2x² - 5 + 2√7 प्लस सी। समझा? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट समय बताइए क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x³ / 16x - 8 - 25 तो पड़ेगा बगाई ज्यादा। पहले तो इसे मैं और अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, x³ है बराबर 16x² - 8 है। थोड़ा सोचता हूँ मैं इधर क्या कर सकता हूँ, मैं जैसे अभी पिछले समय आपने देखा था अज्यूम कर लिया था, तो ऐसा क्या अज्यूम करेंगे कि ऊपर 3 आएगा। सर x² स्क्वायर कर दो, 4 × 2 = क्या आएगा, 8 हो रहा है, हाँ -25। सर आपने x² क्यों किया, बिकॉज x² को मैं रिप्लेस करूंगा तो उसका डेरिवेटिव x³ आएगा ना, क्योंकि वो माइनस होता है ना। अरे बराबर, लेट x² = t 4
x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। अरे ये समझा, n x रेस टू n माइनस वन किया, फोर ये बाजू आ जाएगा, x क्यूब dx इज इक्वल टू dt अपॉन फोर, आ गया न्यूमरेटर, x क्यूब dx उसके जगह पे dt अपॉन फोर, dt अपॉन फोर 16 t स्क्वायर माइनस 25, x रेस टू 4 की जगह पे तो t आने वाला है बट इसको स्क्वायर बाकी है, और x क्यूब dx की जगह पे, x क्यूब dx की जगह पे dt अपॉन 4, 4 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 16 t स्क्वायर माइनस 25 dt। समझा, अब क्वेश्चन रेडी हो गया, क्वेश्चन रेडी हुआ है, अब सॉल्यूशन x स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर के पास जाने का और पूछने का तेरे पास क्या है, क्या है 16 डिवाइड और बाहर, तो 1 अपॉन 4 इंटू 16 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 16 dt हो जाएगा, 25 16 स्क्वायर तो है 5 और 4 का, तो 1 अपॉन 64 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 4 द होल स्क्वायर dt, x है a है माइनस है, 1 अपॉन 2 आ जाने वाला है, 1 अपॉन 64 तो जैसा वैसे 1 अपॉन 2 a का वैल्यू है 5 अपॉन 4 log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a डिटर्मिनेंट प्लस c, 4 ऊपर चले जाएगा, कैंसल भी हो सकता है ऐसा कुछ नहीं, और 2 ऊपर चले जाएगा, तो 2 अपॉन 64 इंटू 5 बराबर log ऑफ 40 माइनस 5 अपॉन 4, 40 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस c, 2 1 2 3 2 2 बराबर है 1 अपॉन 5 2 10 15 16 160 log 40 minus 5 40 plus 5 plus 6। टी के फॉर्म में नहीं, x के फॉर्म में चाहिए, x रेस टू 4 1 अपॉन 60 log ऑफ 4 x रेस टू 4 माइनस 5 4 x रेस टू 4 प्लस 5 प्लस 6। समझ में आ गया, प्रॉपरली क्लियर हुआ एक्सरसाइज? देखो हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ कंसेप्ट है, जैसे इस एक्सरसाइज में ये वाला कंसेप्ट है, लेटर ऑन जब हमारा इंटीग्रेशन खत्म होएगा ना उस टाइम में मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि हर एक सम को आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज में अपन एक पर्टिकुलर मेथड लिया ना, कि भाई पहले एक्सरसाइज के अंदर अपन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, दूसरे में डिनोमिनेटर अज्यूम कर रहे थे, न्यूमरेटर आ रहा था, तीसरे के अंदर आपने देखा कि कुछ नए फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, चौथे में हमने ये एक्सरसाइज देख लिया, ऐसे कुछ ना कुछ पढ़ने वाले, बट लेटर ऑन जब आपके पास बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको थोड़ी मालूम पड़ेगा ये 5.4 का है 5.3 का, ये तो नहीं मालूम पड़ेगा, उस टाइम पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए ये एक एक स्टेप्स बता रहा है, और बाद में आपको लगेगा भाई इसको मेरे को फॉर्मूला मेथड से करने का फॉर्मूले से करूंगा, इधर यू इनटू वी अप्लाई करना है, इधर अजम्पशन बेसिस करना है, क्या करना है वो आपको लास्ट एक्सरसाइज के बाद क्लियर हो, क्लियर है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।